इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर में पोष माह की पंचमी के पवित्र दिन ध्वजारोहण किया गया। इंदौर कलेक्टर के कर कमलों से रंजीत हनुमान के शिखर पर ध्वज भी फहराया गया। खजराना गणेश मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में कई सालों से ये परंपरा है, लेकिन इंदौर के रंजीत हनुमान मंदिर में पहली बार इस प्रकार ध्वजारोहण किया गया है। इसको लेकर इंदौर कलेक्टर ने कहा कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसे हर साल इसी तरह मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराकर सुचारू रूप से चलाया जाना चाहिए। इसके लिए कलेक्टर ने मंदिर में पुजारी परिवार और भक्त मंडल को साधुवाद भी दिया। ध्वजा पूजन करके ध्वजारोहण किया गया है। संभवतः पहली बार ये इस मंदिर पवित्र पावन मंदिर में ये प्रक्रिया हुई है। खजराना गणेश मंदिर में महाकाल में ये प्रक्रिया होती रहती है और ये बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ की भक्त मंडलों ने प्रारंभ की है। मैं पंडित जी को, हमारे व्यास जी को, उनके पूरे परिवार को और सभी भक्त मंडल जो यहाँ का है, यहाँ का भक्त मंडल बहुत सक्रिय है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी एक परंपरा, एक व्यवस्था की शुरुआत की गई है। और मेरा मानना ये है कि जब हर साल ये ध्वजा पूजन और ध्वजा लहराने का कार्य होगा यहाँ पर, और प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार से सभी उत्साह से इस पावन कृत्य को सभी लोग करेंगे। जी, जो भक्त मंडल है और जो मंदिर प्रबंध समिति है, सबने मिलकर ये निर्णय लिया है और यात्रा में कुछ बदलाव भी किए हैं, जिसके अंतर्गत चौड़े रोड पर यात्रा को निकाला जा रहा है और सबको मास्क यात्रा में वितरित किए जाएंगे। सभी से अपील हम लोग ये भी कर रहे हैं कि स्वागत मंच और बीच में प्रसाद वितरण ना करें, मंदिर पर आकर ही वे प्रसाद वितरण कर सकते हैं। जितना संभव है प्रोटोकॉल का सब लोग पालन करते हुए इस यात्रा में समृद्ध